नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है रेखाज ब्लॉग लाइव और यह हर संडे और वेडनेसडे को आता है शाम को 7 बजे। तो आज बहुत ही स्पेशल ब्लॉग बनाया है मैंने अपने स्कूल फ्रेंड अंजू मिश्रा के साथ। अंजू, ये हम लोग दोनों स्कूल में एक साथ पढ़े हैं और ये बहुत अच्छी कविताएँ लिखती हैं। इस बार इसका फर्स्ट टाइम बुक भी पब्लिश हुआ है जिसका नाम है तिनके। तो हाय अंजू। नमस्कार। तो अंजू, तुमसे रिक्वेस्ट करेंगे 4 लाइन कविताएं पढ़ के सुनाओ और जो तुम्हारी बुक पब्लिश हो रही है उसके बारे में ज़रा बताना। तो रेखा, ये क्या है, मेरी जो बुक है तिनके, मन की संवेदनाएं, मन के भावों को इकट्ठा किया हुआ है। ये मन की जो संवेदनाएं हैं छोटी छोटी तिनके के रूप में ही, इसलिए मैंने अपनी पुस्तक का नाम भी तिनके ही रखा। इस तिनके में जो है ना, मानवीय संवेदनाओं या अपने संवेदनाएं जो है दिल की, कभी कुछ मन में भाव आते हैं। आदमी कई तरह की इंसान परिस्थितियों से गुजरता है तो उससे कभी मन में जो भाव उठे तो मैं लिख देती हूँ। वो तो मैं 4 पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगी। कौन नहीं चाहता कौन नहीं चाहता वफा को पाना, कौन नहीं चाहता वफा को पाना, तुम्हें पाना, तेरे इश्क से खेलना, पर जहर है इश्क तेरा। वाह। तेरे इश्क से खेलना पर जहर है इश्क तेरा, बिखर रहे हैं तेरी यादों में जहर सा, समंदर तेरी वफाओं का किसी और के लिए था, समंदर तेरी वफाओं का किसी और के लिए था, हम समझ बैठे कि साहिल मेरा था, हम समझ बैठे कि साहिल मेरा था। बहुत खूब, धन्यवाद। देखा, और 2 पंक्तियाँ, पुकारे चलो, ये बीच के कविता के मध्य से पंक्तियाँ हैं। जिंदगी कब तलक मुझसे रूठी रहोगी, कभी जिंदगी के कुछ ऐसे मोड़ आ जाते हैं जिसमें लगता है कि जिंदगी ही हमसे रूठ गई है। जिंदगी कब तलक मुझसे रूठी रहोगी, तुझसे चाहती तो मैं भी थी बात कहनी, ऐ जिंदगी तुझसे तो चाहती थी मैं भी कुछ बातें कहनी, मुझे रूठे को मनाना आता नहीं, मुझे रूठे को मनाना आता नहीं, ये रूठना मनाना तो अदाएं हैं मोहब्बत की, ये रूठना मनाना अदाएं हैं मोहब्बत की। जिंदगी तू कब से इसमें उलझने लगी, सही बात, जिंदगी तू कब से इसमें उलझने लगी, पुकार लो एक बार, पुकार लो ऐ जिंदगी, पुकार लो एक बार, मैं क्या सारी कायनात थम जाएगी, सारी कायनात थम जाएगी। क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। और आगे आप वीडियो देखिएगा, अंजू अपनी कविताएं आपको सुनाएगी, बहुत ही अच्छी कविताएं हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थैंक यू। रात के आगोश में डूब रही हूँ यादों में, प्रियवर के पाशों में सुबकती रही रात तन्हाइयों के आगोश में, एक खूबसूरत कहानी रची थी रात के आगोश में। वाह वाह। चांद और चांदनी के गवाह बने थे तुम। यस यस, कोई शक नहीं। इरशाद, इरशाद। एक और नेक्स्ट 4 लाइनें हैं। क्यों खफा हो गए वो, यूं खफा हो गए वो, किस्मत ही रूठ गई जैसे, हमने की थी उनसे वफा, हमने की थी उनसे वफा, वफा के बदले मिली रुसवाई, खफा करके, खफा उन्हें करके, खफा उनसे होकर, खफा खुद से रहने लगे, यूं खफा हो गए वो, किस्मत ही रूठ गई जैसे। वाह 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 वाह, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। रेखा, तुम्हारे लिए ये, जब भी तुम्हारी याद आती है, जब भी तुम्हारी याद आती है, रात की कागज पर तेरी तस्वीर हूँ उतारती। वाह वाह। रात की कागज पर तेरी तस्वीर हूँ उतारती, चांदनी बन जाती मेरी स्याही, चंदा करता इस रात। वाह 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 वाह। चांदनी बन जाती मेरी स्याही, चंदा करता इस रात, तारे बनते मेरे साथी,
जब भी तुम्हारी याद आती है, क्या बात है, ख्यालों की खिड़की से निहार, जब भी तुम्हारी याद आती है ख्यालों की खिड़की से निहार, पलकों में बंद कर लेती हूँ तुम्हारी यादों को। कैसी रही तुम्हारे लिए ये पंक्तियाँ? टू गुड, धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सच में बहुत अच्छी कविता थी, धन्यवाद। थैंक यू अंजू, वैलेंटाइन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको वैलेंटाइन डे पर ही बता रही हूँ कि हम पाश्चात्य संस्कृति का जश्न वैलेंटाइन डे के रूप में मना रहे हैं, पर हमारे देश में भी वैलेंटाइन डे से अच्छा उत्सव है मदनोत्सव, और ये प्रकृति के प्रेम की ओर हमें ले जाता है, और इसकी शुरुआत होती है वसंत पंचमी के दिन से। और हम क्या करते हैं इसमें कि कामदेव और रति की भी पूजा होती है सरस्वती की आराधना के साथ साथ। कामदेव अपने पुष्प रूपी पलाश आदि पांचों वाणों को तरकश में से निकाल मानव के दिलो दिमाग में बैठने लगते हैं। इसीलिए वसंत को मदनोत्सव के रूप में रति एवं कामदेव की उपासना का पर्व कहा गया है। इसलिए वसंत पंचमी पर सरस्वती उपासना के साथ साथ कामदेव की उपासना के गीत भी भारत की लोक शैलियों में आज भी विद्यमान है। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले इसके महत्व को भूलते जा रहे हैं, अतः इस पर्व को भावनात्मक रूप से समझकर अतीत के साथ वर्तमान का सेतु बनाने की इस समय नितांत आवश्यकता है, ताकि भारत की प्रीति की प्राचीन रीति आधुनिक पाश्चात्य उछल कूद की आंधियों में धूमिल न हो जाए और हम अपनी संस्कृति को भी बनाए रखें मदनोत्सव के रूप में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।